नमस्कार दोस्तों, हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम गाय भैंस को बांधने वाली मोहरी बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक रस्सी लेंगे। ये रस्सी कम से कम 10 से 12 फीट लंबी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसको दो बराबर भागों में मोड़ लीजिए, सबसे पहले ऐसे इस प्रकार से। और उसके बाद ये जो आगे जो दोनों सिरे वाला भाग है इसको बराबर में रखना है। और इसको थोड़ी लंबाई के बाद ऐसा पकड़े और ये जो नीचे वाला भाग है इसको आगे पहुँचे, आगे खींचे। आगे खींचने के बाद ये जो है ये नीचे वाला भाग, नीचे वाले भाग को इस अंगूठे के ऊपर रखना है। अंगूठे पे रखने के बाद सबसे पहले इसको अंगूठे पे रखें, फिर इस जो ऊपर वाला लेफ्ट साइड वाला भाग है उसको नीचे देना है, नीचे खींचना है। और जो राइट साइड में निकला हुआ था इसको इस अंगूठे के अंगूठा जहाँ था उस जगह से आगे खींचना है। इस प्रकार से गांठ तैयार हो जाती है। और गांठ को टाइट कर दो। टाइट करने के बाद ये एक सिरा हो गया, ये नीचे रहने वाला बचा ये। इसके बाद इसको पलट देना है। पलटने से क्या होगा कि नाक पर ये ऐसी आड़ी नहीं आएगी। इसको पलट देना है और एक लंबा सिरा इस साइड रखना है। इसके बाद फिर से वही, इसको ऊपर फेंकना है, इसको नीचे, और ये जो अंगूठे वाली जगह से नीचे वाले को इस प्रकार से टाइट कर देना है। अब इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जैसे कम ज़्यादा करने के लिए इसको आगे से खींचेंगे। ऐसे टाइट कर देंगे, ये टाइट ऐसे इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। इसको पूरा टाइट कर दो जिससे इसको पूरी लंबाई में करने में काम आएगा। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको लंबा करने के लिए इसे खींचेंगे। इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, बस इतना ही। ये हो गया टाइट, ये बन गई गठान, इस प्रकार से बन गया। अब इस गठान को बांधने के लिए ऐसा इस प्रकार से ये हो, इसको ऐसा ले जाके इसके नीचे से यहाँ डाल देंगे। ये हो गई अपनी गठान तैयार। ये देखो, ये गठान तैयार हो गई। और इसको डाल देंगे यहाँ से, ये अपना। अब यहाँ की गठाने के लिए सबसे पहले इसको ऐसा पकड़े और इसे ऐसा, ये गले में जो भैंस गले में रहेगी ऐसी, ये बन गई अपनी मोहरी। इसे नीचे खूंटे में बांधने के लिए इसे लंबा रख सकते हैं। मेरे पास रस्सी कम थी इसलिए कम हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से छोटा बड़े साइज का बना सकते हैं।